भारत माता की जय। वंदे मातरम। बोलो भी तुम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके तू भी आता स्कूल? नहीं भी जाती है। पहले ये भी जाती है। ये क्या है? क्या है? सारी जाती है। कंचे कंचे खाती है। वेलकम टू हरियाणा दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद हम एंटर हुए हैं हरियाणा में। और हरियाणा में सबसे पहले तो ये पानीपत पिक्चर से भी ये वो भावुक जगह है जिसको पानीपत जाना जाता है, जो पानीपत की सबसे बड़ी पहचान अगर कोई है तो ये काला आम है जिसकी लड़ाई इसके बीच लड़ी गई थी। और एक दुख की बात दोस्तों कि जब मैं आया था पिछली बार और पानीपत के काला आम देख के मैं जब भाग दौड़ करते पानीपत म्यूज़ियम गया था तब मुझे म्यूज़ियम बंद मिला था। वो भी मैंने मेरे पानीपत संग्रहालय का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने दिखाया है कि मेरे जाने का समय और बंद होने का समय एक ही, लेकिन आज मैं ज़रूर देखूँगा और उसमें मुझे सबसे पहले देखना है कि काला आम जो पेड़ यहाँ था, मतलब आम का पेड़ जो यहाँ था और जो काला पड़ गया उसके आम के पेड़ के लकड़ी से जो दरवाजे बने हैं वो उस म्यूज़ियम में रखे हैं, वो मैं देखना चाहता था और वो आज मैं देख के रहूँगा। और आज हम यहाँ से जाएंगे पानीपत के काला आम से पानीपत म्यूज़ियम की तरफ। तो आप देख रहे हैं मेरा 17वें दिन का सफ़र। हम कर रहे भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा, उसमें हम आज पहुँचे हैं पानीपत के काला आम में। काला आम से अभी हम जाएंगे पानीपत संग्रहालय की तरफ। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पानीपत म्यूज़ियम और हम देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पता है पानीपत म्यूज़ियम के बारे में। अभी ये जो रोड जा रहा है वो म्यूज़ियम की तरफ ही, लेकिन तो भी हम खींचते हैं। ये पानीपत म्यूज़ियम कहाँ है? म्यूज़ियम ये पानीपत म्यूजियम का है? म्यूजियम ये पानीपत म्यूजियम का है? म्यूजियम म्यूजियम का है? पानीपत का नहीं, पानीपत का म्यूजियम मालूम है? पानीपत संग्रहालय। ये पानीपत का म्यूजियम का है? नहीं भाई, ये पानीपत का म्यूजियम का है? म्यूजियम म्यूजियम भैया पानीपत संग्रहालय का है? पानीपत तो है संग्रहालय, म्यूजियम का है? तो ये हालत देखा आपने?
अभी मैं संग्रहालय के पास जाके और दो जनों से पूछता हूँ कि पानीपत म्यूजियम का है, तब भी यही जवाब मिलेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो चलते आगे। तो दोस्तों महज आधा किलोमीटर दूर है हम पानीपत म्यूजियम से, महज आधा किलोमीटर की दूरी पे है हम चल रहे हैं। तो दो तीन लोगों से और हम पूछते हैं पानीपत म्यूजियम के बारे में। हम 100 मीटर की दूरी पे है पानीपत म्यूजियम से। ये पानीपत म्यूजियम का है, पानीपत संग्रहालय। तो ये रास्ता जाता है, तो जाते हैं संग्रहालय देखते हैं। ये देखिए, ये नहर ऐसी बहती है, ये नहर के किनारे ही पानीपत संग्रहालय, और इसी को नाहर सिंह चौक बोलते हैं। तो चलते हैं संग्रहालय। तो दोस्तों पहुंच गए हम पानीपत संग्रहालय, 1:30 बजे अभी, और बीच में हम खाना खाने के लिए रुके थे। खाना खाने के बाद अभी हम आए पानीपत संग्रहालय। उस वक्त जब मैं आया था तब तो बंद था, लेकिन आज वो खुला है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं पानीपत संग्रहालय। तो पानीपत म्यूजियम के लिए ऐसे ₹25 का एक टिकट रहता है म्यूजियम देखने के लिए, तब आपको अंदर एंट्री। फॉरेनर्स के लिए कितना रहता है? फॉरेनर्स के लिए फॉरेनर्स अगर आए तो ₹75 पर एंट्री, और अंदर वीडियो और फोटो अलाउ नहीं है। तो हम यहीं पे कैमरा भी बंद करेंगे, फिर मैं अंदर देखने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पानीपत म्यूजियम देख के बाहर आ गए, और सही में बहुत अच्छा युद्ध स्मारक ये पानीपत संग्रहालय का बनवाया गया है। उसमें अलग अलग कक्ष बने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हेमू और अकबर के साथ हुआ था जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, और पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें मराठाओं की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना, उसका वर्णन किया गया है। और सबसे देखने वाली चीज़ पानीपत म्यूजियम की ये है कि वो काले आम से बने पेड़ का जो चौकट बनाई गई है, वो पंडित मैं नाम भूल गया, पंडित किसी ने भी वो आम के पेड़ की लकड़ी खरीद के उसकी चौकट बना के उसने रानी विक्टोरिया को सप्रेम भेंट की थी 1909 में, जब रानी करनाल आई थी पानीपत से दूर करनाल में। फिर वो करनाल म्यूजियम में रखा गया था, विक्टोरिया मेमोरियल में, लेकिन बाद में फिर उसे पानीपत संग्रहालय में ला के उस चौकट को रखा गया। और सही में दोस्तों उस चौकट को प्रणाम करके हम संग्रहालय देख के अभी बाहर आए, क्योंकि उस चौकट जिस लकड़ी से बनी, उस काले आम में अपने मराठाओं का, सदाशिवराव भाऊ का, सभी सैन्यों का, उनके परिवार का खून मिला, ऐसा वो आम का पेड़ और उससे बनी चौकट, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस संग्रहालय में देखने लायक है। और बाकी सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, उस समय के युद्ध का वर्णन, युद्ध में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करके की थी, ढाल भाले तलवारी बंदूक, वह सब दिखाई दिया है। और हरियाणा की संस्कृति का एक अलग सा कक्ष बनाया गया है, उसमें हरियाणा की संस्कृति दिखाई है। कुछ ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन उसमें किए हैं, जैसे
कैथल में जो शिव मंदिर है उसका बताया है। तो इस प्रकार पानीपत संग्रहालय बहुत अच्छा है, आप ज़रूर विजिट कीजिए अगर पानीपत आते हो तो। और वो तिन्ही युद्धों का जो बना है वो ज़रूर देखिए। तो पानीपत में संग्रहालय देख के अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, हमारी करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा शुरू होगी रेलवे स्टेशन से। तो इस ब्लॉग में इतना ही, उसका अलग से ब्लॉग में शुरू करूँगा रेलवे स्टेशन से। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन के। हाँ तो दोस्तों आ गए हम अपने पोताराम धर्मशाला पानीपत रेलवे स्टेशन रो। अभी बाइक यहाँ खड़ी करके हम जा रहे हैं पानीपत रेलवे स्टेशन की ओर, और यहाँ से शुरू होता है हमारा पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर का सफ़र। तो चलते हैं सबसे पहले रेलवे स्टेशन की ओर, जो ये स्टेशन रोड की स्थिति है। देखिए तो तारा हुआ, आप देख रहे हैं ये स्टेशन रोड और सामने है पानीपत रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं।